मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत सारी कुकिंग। आज मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना सिर्फ कुकिंग का ही ब्लॉग करूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था, दिल भी चाह रहा था कि कुकिंग करने का कभी कभार दिल जाता है औरतों को, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था आज कुकिंग मैं करूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कुकिंग करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता प्लस हलीम और प्लस शेखोमा। आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा कोई दावत हो रही है, कोई दावत नहीं हो रही है, सिर्फ मेरा दिल चाह रहा था सिंपल। हमारा जैसे कि छुट्टियों में अब ये होने लगा है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो वरना तो मैं एक ही डिश बनाती हूँ। लेकिन अभी जैसे नाश्ता हुआ है सिर्फ बच्चों का, शाम के 5 बज रहे हैं, यानी अभी 3 बजे तक सिर्फ नाश्ता हुआ है, क्योंकि बच्चों का देर से उठना, देर से सोना हुआ है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना अभी दोपहर के वक्त हल्का सा लाइट सा पास्ता बना दूँ और रात के लिए मैं हलीम चढ़ा दूँ, और साथ ही साथ हल्का खाने को भी दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं शेरपुरमा बना दूँ। ठीक है, तो आइए मेरे साथ चलते। अच्छा, सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ हलीम और उसके बाद मैं पास्ता और मीठे की तरफ आऊँगी। और हलीम के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, सॉरी बल्कि 3 चीज़ों की ज़रूरत है, वो है गोश्त एंड प्लस दीज 2 पैकेट्स। आपको मालूम है मैं जो मुश्किल मुश्किल डिशेज़ होती हैं वो हमेशा शान या नेशनल जिंदाबाद, तो मैं इसमें से बनाती हूँ। ठीक है, और इसमें भी रेसिपी जो दी हुई है वही मैं आपको बता रही हूँ, और यकीन करें बे इंतहा मज़े का होता है। अच्छा, 2 किस्म के होते हैं, एक शाही हलीम मिक्स जिसमें दानेदार दाल होती है, और एक होता है इजी कुक जिसमें पाउडर फॉर्म की दालें होती हैं। तो मैंने कहा कि मैं शाही हलीम बनाऊँ क्योंकि इसको इसके टेस्ट में बहुत अच्छा फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू ईजी कुक के, तो ये मैं बना रही हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा तेल, तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, अब मैंने ये भी डाल दिया है, ये देखें इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है, एटलीस्ट 1/2 कप ऑफ ऑयल। ठीक है, अब इसके अंदर डायरेक्टली जो है मैं मीट डाल दूंगी। अच्छा, इस मीट को मैंने बॉईल किया हुआ था, जैसे कि आप समझते हैं कि मैं हमेशा जो है मीट को बॉईल करती हूँ, कभी ऐसे नहीं डाल देती, हमेशा मीट को मैं बॉईल करती हूँ, और बॉईल करने के बाद मैं इसको यूज करती हूँ। तो सिंपल तेल के अंदर मैंने सिर्फ ये मीट डाला, और मीट डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई किया। और अच्छा, अब मैं ये पैकेट को खोल रही हूँ। अच्छा, मैं 2 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये तकरीबन मेरे पास 1 kg गोश्त है। अच्छा, अब इस पैकेट में से 2 पैकेट निकलते हैं, एक इसका मसाला, ये मसाला, और ये है दालें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दाल है ये हम डालेंगे खोल कर। ये देखिए, मैंने ये पैकेट खोल लिया है, और ये मैंने मसाले का पैकेट डाल दिया है। 1 kg मीट में ये मैंने डाला, और फिर ये सेकेंड वाला। ठीक है, और फिर इसके बाद आप इसको भून लें। ठीक है, और भूनने के बाद फिर आप इसके अंदर डालेंगे वो दालों का वाला पैकेट। ठीक है, ये आप अच्छी तरह इसको भून लें। बस एक दफ़ा आप हलीम चढ़ा दें और फिर भूल जाए एटलीस्ट 3 घंटे के लिए हल्की आंच में। ये तेज आंच कर दी है मैंने थोड़ी सी इसकी, ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए, और उसके बाद हम इसके अंदर दालें डाल देंगे। अच्छा, ये हो गया है, भुन गया है गोश्त, और अब हम इसमें डालेंगे दालें। अच्छा, दालों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, वो मैंने डायरेक्टली नहीं डाला, दालों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। ये देखें, और अच्छा धुआं हो गया। ये देखें, दालों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है इसको। अच्छा, दालों को मैं दोबारा बता रही हूँ, शायद वो कॉल आ गई थी तो पता नहीं वीडियो बनी या नहीं बनी। दालों को मैंने अच्छी तरह वॉश किया था और फिर मैंने इसके अंदर डाला, और अब आप इसके अंदर डाल दें पानी, एटलीस्ट 12 ग्लासेस ऑफ पानी, और फिर भून जाए। मैंने इसके अंदर एटलीस्ट 11 to 12 ग्लासेस डाल दिए हैं, और बस इसको हल्की आंच में आप ढक कर रख दें जब तक गोश्त ना गल जाए। उसके बाद की प्रोसेस में आपको बाद में बताती हूं। भरने से पहले हनी मैंने चढ़ा दिया, ये आप देखें हनी हल्की आंच में चढ़ गया है। और दूसरी रेसिपी है पास्ता,
उस पर जाने से पहले आप लोगों से मुझे दो तीन बातें करनी है। सबसे पहले तो ये कि भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते? भाई जो ग्रोन अप यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। लेकिन जो बड़े वाले यूट्यूबर्स भी जो हुए हैं ना, जो कि बहुत माशाल्लाह से मशहूर यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो कनाडा में हैं, चाहे वो दुबई में हैं, तो उन सबको भी हम ही लोगों ने देख देख के उनको अप किया। तो अब उन्हीं को देख कर हम लोगों की मोटिवेशन बढ़ी कि हम क्यों नहीं ये काम कर सकते, और हम भी आ रहे हैं, नए नए यूट्यूबर्स में आ रहे हैं। और मैं तो नए नए यूट्यूबर्स को यकीन करें जहाँ देखती हूँ, ये जिनके सब्सक्राइबर कम है, जिनके व्यूज़ कम है, मैं फौरन ठक से उनको सब्सक्राइब कर देती हूँ, उनकी व्यूज़ देखती हूँ, उनके वॉच आवर्स इंक्रीज करने के लिए उनके वीडियोज़ देखती हूँ, कुकिंग चैनल देखती हूँ। ये मैं जानती हूँ, मेरा पता जाता है। आप लोग कहेंगे कि ये मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, नहीं, मैं लिटरली देख रही होती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मैं इस स्टेज पे कहाँ तक पहुँची हूँ, कैसे पहुँची हूँ। ये सबको पता होगा कि इस स्टेज में आने के लिए क्या क्या, कितनी कितनी मेहनत करनी होती है, तो ये सब यूट्यूबर्स को पता होगा अच्छी तरह। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी, मैं तो ये भी कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तारीफें करें, मेरी कोई अगर कोई गलत बात लगे या मेरी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव और अच्छी तरह कर सकती हूँ, तो मुझे आप ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर चलूँ, ठीक है? तो वंस अगेन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। और अब चलते हैं सेकेंड रेसिपी की तरफ। आइए, उसके लिए जो रेसिपीज़ की ज़रूरत है वो है पास्ता। पास्ता आप जिस फॉर्म में भी ले सकते हैं, चाहे वो आप पेने के फॉर्म में ले लें, या आप एल्बो ले लें, या ऐसे इस तरह की ले लें, वो आपकी मर्जी है। ये मैंने सिंपल पहले से बॉईल करके रख लिया है, क्योंकि बॉईल करना सबको आता है। प्लस वाइट सॉस के लिए मैदा, चीज़, दूध एंड चिकन। अगर आप इसके अलावा, चिकन के अलावा कुछ आप वेजिटेबल्स डालना चाहती हैं, आप वो भी डाल दें, लेकिन मैं अभी सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड ओरिगैनो। वो मैंने नहीं दिखाया, वो मैंने कहा मैं आपको कुकिंग करते हुए दिखा दूँगी। मैंने एक पैन ले लिया, पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया फॉर चिकन, और चिकन के बाद क्या कह रहे हो, इसको क्यूब क्यूब कर दो, हाफ करो उसको, और फिर इसको मैं क्यूब क्यूब कर दो। अच्छा जी, हुसैन साहब पूछना आया था कि चीज़ को किस तरह चाहते हैं, क्योंकि हुसैन साहब जो इंटरेस्ट लेते हैं ना, वो जब मैं पास्ता बनाती हूँ ना, जब भी वो इंटरेस्ट लेते हैं। खैर, एनीवे, बैक टू रेसिपी। पैन लिया, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद सिर्फ लहसुन का पेस्ट, दैट्स ऑल, लहसुन का 2 यानी ये वाली स्पून ली है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 टी स्पून, ये हाफ ऑन डाला। और उसके बाद आप डाल देंगे अपनी चिकन, उसको आप अच्छी तरह फ्राई करें। ये आप ये देख रहे हैं कि ये अब वाइट फॉर्म में आ गई है चिकन, तो इस फॉर्म में आप डाल देंगे नमक, ठीक है? एंड देन उसके बाद आप डाल देंगे ब्लैक पेपर, फिर आप डालेंगे सिरका। अच्छा, ये सॉसेस मैंने आपको नहीं बताया था उस वक्त, या आपकी अपनी मर्जी है, डालना है तो डालें, नहीं डालना तो ना डालें। सिरका क्योंकि मैं ज़रूर डालती हूँ। एंड देन एट लास्ट हम डालेंगे सोया सॉस एंड चिली गार्लिक सॉस, ठीक है? ये आपने तो फिर अच्छी तरह आप मिक्स करें, ठीक है? अच्छा, मेरे पास ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स रखी हुई थी। आपकी नहीं है वेजिटेबल्स तो डालें, नहीं डालनी तो मत डालें, लेकिन ये रखी हुई थी तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी गाजर कटी हुई और ये थोड़ी सी ग्रीन प्याज है, तो ये मैं डाल रही हूँ, ठीक है? डालना था, बिकॉज वेजिटेबल इज हेल्थी, इट्स गुड फॉर हेल्थ। आप लोग इसी बहाने से वेजिटेबल्स खा रहे थे, और मेरा मेन मकसद वेजिटेबल्स डालने का यही है कि बच्चे ज़रा सा खा लें, वरना बच्चे तो वेजिटेबल के नाम से घबरा जाते हैं। ये देखें, अगर आप देख रहे हैं,
कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास कैप्सिकम नहीं है वरना मैं कैप्सिकम भी डाल देती। मेरी औलाद आ गई है, जब मैं खाना बनाती हूँ तो वो यहाँ आ जाती है बैठने के लिए। जी आपको कुछ बोलना है? हाँ। क्या बोलना है? चिकन हो गई है और मैं अब चिकन को निकाल दूंगी क्योंकि मुझे सॉस जो है इसी पैन में बनाना है। के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है और प्लस मैं थोड़ा सा मक्खन भी डालती हूँ, यानी ऑयल और मक्खन दोनों साथ करती हूँ। या मक्खन की जगह आप माजरीन ही ले लो, ये ठीक है। इसको मेल्ट होने दें फिर आप। ये मैंने मक्खन डाल दिया, अब मक्खन के बाद मैं डालूँगी मैदा। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। थोड़ा सा व्हाइट सॉस ज़्यादा बनाना है क्योंकि मैक्रोनी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो आप फिर उसके बाद अच्छी तरह उसको भूने, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर आप इसमें दूध डालेंगे, ठीक है। फिर इसमें आप दूध डालना, कम है मैं और भी डालूंगी। मैंने कहा जो बचा हुआ पहले दूध है वो डालूँ प्रेमा, और फिर ये मिल्क पैक भी था तो मिल्क पैक भी दूध डाल दें। यानी इसका रेशियो जो होता है ना, जैसे मैंने 6 टेबलस्पून ऑफ मैदा डाला तो आप भी 6 कप ऑफ दूध डालें, लेकिन ये 6 कप नहीं है, लेकिन मैं फौरन नहीं डालती, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े मुझे। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया, इतना अच्छी तरह आप इसको मिक्स करें कि इसके अंदर वो ना पड़े, जो गुटलियाँ होती हैं ना वो ना हो, इसको अच्छी तरह और हल्की आंच में, बिल्कुल हल्की आंच में बनाएं कि फौरन लगे भी ना ये, ठीक है ना। तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक, ये मैंने डाला नमक हसबे जायका प्लस ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर भी अब मैं ये समझती हूँ हसबे जायका ही आपको डालना होगा। अच्छा अब मैंने इसमें डाला, जैसे कि मैंने कहा था कि ब्लैक पेपर डालना है, लेकिन मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैं उसी वक्त जल्दी इसे मैंने क्रश की। फिर इसमें मैंने डाला चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा स्पाइसी लुक देने के लिए, और अगर मैं इसमें केचप भी डालूंगी, अगर आपको नहीं डालना है मत डालें, डालना है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए ठीक है। और फिर इसके अंदर हमने ये मैंने चीज़ जो है वो क्यूब्स करवा लिए थे, तो ये मैंने चीज़ डाली है इसके अंदर, ठीक है जनाब। चीज़ के बनाए पास्ता नाम कमला है। अब इस स्टेज में मैं डालूंगी दूध क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तो इसलिए मैं पूरा दूध नहीं डालती कि जहाँ जहाँ मुझे लगता है ना कि अब ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत है तो मैं डालती हूँ। तो इसको अच्छी तरह हम करेंगे जब तक यह चीज़ पिघल नहीं जाए, ठीक है। ये मैंने डाल दी है चिकन पूरी डाल दी है, इसको अच्छी तरह हम मिक्स करें, इससे नहीं। और फिर इसमें हम डाल देंगे पूरा पास्ता, ये देखें अब ये मैंने पूरा पास्ता इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स।
फिर इस तरह यमी वाइट सॉस पास्ता हो गया तैयार। और फिर मैं करने लगी अपने किचन की सफाई, क्योंकि कुकिंग के बाद मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं किचन को वैसे ही फैलावा रख दूं, क्योंकि एक तो ये कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो साथ साथ समेटती भी रहती हूँ, और फिर उसके बाद जितने भी बर्तन जमा होते हैं तो मैं वो भी साफ उसी वक्त कर देती हूँ, वरना अगर बर्तन जमा होते रहें तो बहुत ज़्यादा फैलावा लगता है किचन। तो बस किचन भी मैंने साथ साथ साफ़ कर लिया था, क्योंकि हलीम मैंने जैसे कि आपने देखा कि मैंने चढ़ा दिया था और वाइट सॉस पास्ता तैयार था, तो मैंने कहा बच्चों को भी जल्दी जल्दी मैंने दे दिया पास्ता, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने किचन की सफाई करके फिर जो है अपने शौहर को वाइट सॉस पास्ता दिया, क्योंकि वो उसी वक्त ऑफिस से आए थे। नाराज थे, मैं आपके लिए पास्ता ले आई। नहीं नाराज नहीं, मेरी कॉल करने में फोन ही नहीं उठा रहे थे आप। मैं फोन कर रहा था, तुम नहीं उठा रही जी। नहीं, पहले मैं दो फोन कॉल दो दफा क्यों रेट हाई हो गए। ये है अब हलीम की हालत। ये दाल ही गल गई है और गोश्त भी गल गया, ये देखें। तो अब हम इसको करेंगे ग्राइंड सिंपल, और फिर मैं आपको फिर दोबारा इसकी शक्ल दिखाती हूँ ग्राइंड। अच्छा, ग्राइंड में सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो गोश्त के पीसेस है ना, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, और फिर आखिर में इस दाल। देख रहे हैं ये शक्ल आनी है आफ्टर ग्राइंड, और फिर आप इसको हम निकाल देंगे, और फिर ये जो बचा हुआ है ये वाला, फिर इसको मैं एक अलग पतीली में निकाल के और फिर ये मैं ग्राइंड करती रहूँगी, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब फिर मैंने एक दफ़ा ग्राइंड कर दिया था, और फिर ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी अपनी मेट को, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने कहा ये वो ग्राइंड करती रहेगी और मैं साथ साथ शीर कौरमा बना दूंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शीर कौरमा बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ये वाला पैकेट। मैंने शीर कौरमा बनाया इसी वजह से था कि आप ये देखेंगे कितना आसान है कि अगर आप पैकेट वाला शीर कौरमा बनाएं तो कितना आसान है कि सिंपल दूध लिया और दूध के अंदर आपने ये डाल दिया। अच्छा, मुझसे क्या होता है कि जब मैं नॉर्मल शीर कौरमा बनाती हूँ तो वो सारी सेवैयाँ ना दूध पी जाती हैं, लेकिन इसमें ये बिल्कुल नहीं होता। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत मज़े का बना था। और इसकी शक्ल ये आ रही है, ठीक है, लेकिन ये बहुत गाढ़ा है। अभी इसमें पानी डालिएगा, ठीक है। और मैंने ये देखें इस पतीले के नीचे क्या रखा है, तवा। तवा रखना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर नीचे से लगेगा, और बिल्कुल हल्की आँच कीजिए, ठीक है। और अभी इसमें डलेगा पानी, और ये पानी अभी मैं जो मशीन में जितना भी लगा हुआ था उसको साफ करके मैंने ये पानी डाला है, ठीक है। फिर आपको अगर और गाढ़ा लगे फिर आप पानी अब बॉयल करके डालिएगा, ठीक है। ये तो मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि मुझे वो डालना ज़रूरी था, लेकिन अब जो भी आप पानी डालें उसको बॉयल करके डालिएगा। मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे और पानी डालना होगा, तो इसलिए मैं अब पानी बॉयल कर रही हूँ, और फिर पानी बॉयल करके मैं इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। और इसको आप चलाते भी रहें ताकि नीचे से लगे ना। और ये बॉयल हुआ हुआ पानी मैं इसमें डालूँ, बस। अब ये अच्छी तरह मैं मिक्स करूँ, और ये हो जाएगा। अब इसको मैं ढक दूंगी जब तक इसमें आप बबल्स नहीं आते। तैयारी कर रहे हैं भगार की, और भगार मैंने आपको कहा मैं सिंपल ऑयल से करती हूँ, बस। फिर आखिर में हलीम को किया मैंने सिंपल ऑयल से भगार, और बाद में मैंने प्याज भी ब्राउन कर ली थी, क्योंकि प्याज के बगैर हलीम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और शीर कौरमा मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया। सो ये था मेरा हलीम, मज़ेदार हलीम, मज़ेदार शीर कौरमा और यमी वाइट सॉस पास्ता। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, और दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।